हेलो दोस्तों, लास्ट लैक्चर दे विच आपां पूर्ण संख्यावां दे गुणां बारे गल कीती सी। बंद गुण, क्रम वटांदरा गुण, सहचारता गुण ते वंडकारी गुण बड़ा डिटेल च आपां डिस्कस कीता सी। थोड़ा जिहा पहला मैं उस नूं रिवाइज करदा। आपां एक फ्लो चार्ट बना के आपां चारे ऑपरेशन दी गल कीती सी, जोड़, घटा, गुणा, वंड। बंद गुण, क्रम वटांदरा गुण, सहचारता गुण। तो याद करो बंद गुण की सी, कोई भी दो पूर्ण संख्यावां लैंदे आ उन्हां दा जिहड़ा जोड़ है वह भी की हुंदा है, पूर्ण संख्या हुंदा है। तो जिहड़ा उन्हां दा घटा है वह भी सद्दा नहीं भी, गुणा पूर्ण संख्या होंदी है ते वंड हो भी सकता है ते नहीं भी। क्रम वटांदरा दे विच की सी, किसे भी क्रम पहले च दूजा जोड़ती है, दूजे दे विच पहला जोड़ती है, कोई फर्क नहीं पैंदा। ते जोड़ दे विच कोई फर्क नहीं पैंदा सी, घटा च पैंदा सी क्योंकि छोटी चो वड्डी नहीं घटाई जांदी सी। गुणा च भी कोई फर्क नहीं पैंदा सी, वंड च पैंदा सी। सेम सहचारता नूं कोई मर्जी क्रम लैके चलिए, पहली जोड़ती है तां इह आपां कर चुके सी। तो मतलब देखो जोड़ दे विच ते गुणा दे विच तीनों गुण अपने हैगे सी। मतलब जिहड़ा जोड़ है संपूर्ण संख्यावां दा जोड़ बंद भी है, क्रम वटांदरा भी है, सहचर भी है, अते गुणा दो पूर्ण संख्यावां दा या कल्लियां पूर्ण संख्यावां दी गुणा बंद भी है, क्रम वटांदरा भी है, सहचर भी है। इस लैक्चर ते जो आपां गल करनी है आपां इन्हां दे क्वेश्चंस की गल करनी है। असल क्वेश्चंस नूं किवें करना है, उदाहरण किसे भी नहीं टुकमे क्रम विच जोड़ो, असल जो आपां गल करनी है। तो यह हो गया सहचारता, क्योंकि जो तीन संख्यावां देंगे इत्थे 108 मान लो 437 504, पहली उदाहरण नहीं है जी, दूसरी 248 532 640। देखो टुकमे क्रम च जोड़ना है, पहली गल तो मर्जी है, पहले च दूजा जोड़ो तीजा या दूजे च पहला। तो सहचारता के हिसाब से आपां किवें करदे सी, पहला पहले दो नूं जोड़ो, 8 7 15 1 असल 1 4 5, फिर आपां की करांगे तीसरा जोड़ांगे है ना, 9 6 10। टुकमा क्रम जिवें तुहानूं ठीक लगता है, या तुसीं किवें जोड़ सकते हो, मान लो मैंने पिछले दो जोड़ते पहला 437 ते 524, 7 4 11 1 3 1 4 2 6 4 5 9, फिर आपां उहदे विच तीजी रकम जोड़ती 9 6। या तुसीं इह वी कर सकते हो पहले च तीसरा जोड़ लिया, मैं सारी ऑप्शन नाल लेके चल रहा ता ही, 8 4 12 2 1 3 6, फिर आपां उहदे विच की कर दांगे दूसरा जोड़ दांगे। तिन्नां केसिस से देखो आंसर ते कोई फर्क नहीं पैंदा, तां इह तुहाडे ते है तुसीं इहनूं किहड़े क्रम दे विच जोड़ना चाहुंदे हो। सेम मैं इत्थे लै रहा, तुसीं पहले दे विच दूसरा जोड़ के 8 2 10 1 1 4 5 3 8, 2 5 7, बाद च आपां थर्ड जोड़ सकते हैं 0 8 4 12 1 8 6 14 है ना, या पहला ते तीसरा जोड़ के, पहला ते तीसरा 8 4 4 8 6 2 8, बाद च आपां दूसरा जोड़ सकते हैं 8 2 10 1 9 3 12 1 9 5 14 है ना, या दूसरा तीसरा जोड़ के 2 4 3 7 6 5 11, आपां पहला जोड़ सकते हैं। तो तुहानूं जिवें ठीक लगता है 2 8 10 1 8 4 12 1 12 2 14, तुहानूं जिवें सही लगता है तुसीं इहनूं उवें हल कर सकते हो। उस क्रम दे विच जो तुहानूं ढुकमा क्रम लगता है उस क्रम दे विच तुसीं इस नूं हल कर सकते हो। सेम चार रकमां भी आ सकदियां,
पांच भी आ सकती हैं। देखो अगर चार आ जाए, जब आप तीन ते गल कर रहे हो ना, मान लो चार आ गई, 128, 537, 632, 373, तो चार का वितर क्रम है, पहलियां दो जोड़ लिया, आ दो जोड़ लिया, फिर जोड़ता कोई फर्क नहीं पैंदा, आ दो जोड़तियां फिर कोई फर्क नहीं पैंदा, तुसी उस किस क्रम दे विच जोड़ रहे हो ये तुहाडे ते। मैं तरीका दसदा छोटा जिहा, आ देखो 8, 7, 2, 3 जो सौखा करना है, 8 ते 2, 10, 7 ते 3, 10 है ना। तो यदा मतलब जो आप पहली तीजी जोड़िए 128 दे विच 632, उधरों दूसरा ते चौथा पहला जोड़ दिए, तो कितना कितने थोड़ी जी सौखी हो जाऊ, फर्क कोई नहीं पैंदा, तुसी पहला दूजा तीजा चौथा भी कर सकते हो, तुसी पहला चौथा दूसरा तीसरा भी कर सकते हो, उधर नहीं कोई फर्क पैंदा। बट मैं एक आइडिया दे रहा तुहानू, हल किया 8 ते 2, 10 हासिल 1, 3 ते 3, 6, 6 ते 1, 7, 7 ते 3, 10 हासिल 1, 4 ते 4, 8, 5 ते 3, 8, इतों बाद इन्हों दोनों को जोड़ देंगे, 0, 6 ते 8, 14, 1, 8 ते 8, 16, तो तुहाडा कितना आंसर आ गया 1640। दोस्तों आंसर ते नहीं कोई फर्क पैंदा, एक देख लेने, देखो मान लो मैं पहला ते दूसरा जोड़ रहा इत्थे, 8 ते 7, 15, 1, 3 ते 3, 6, 5 ते 1, 6, दूसरा ते चौथा जोड़ रहे हैं, 3 ते 2, 5, 3 ते 4, 7, 6 ते 9, ते मैं बाद तुहानू जोड़ रहा, क्योंकि ये गल आपां क्लीयर कर चुके हाँ, 1, 7 ते 7, 14, 1, 7 ते 9, 16, आंसर थोड़ा सेम रहना है, आंसर ते नहीं कोई फर्क पैंदा, क्रम तुसी देखना है, जिमें किसी का यह हो सकता है कोई इस तरीके ना करे, कोई इस तरीके ना, यदा कोई रूल नहीं है, जिमें तुहानू सौखा लगता है तुसी उस तरीके नाल इहदा जोड़ कर सकते हो। सेम आपां गुणा दी उदाहरण लैके चलते हाँ, गल करांगे गुणनफल दी, ढुकवें क्रम नाल गुणनफल दी कुछ उदाहरण लैके चलते हाँ। ढुकवें क्रम विच गुणनफल पता करो, उदाहरण 4 × 1728 × 50, 2 × 165 × 50, 4 × 185 × 25, आप कुछ उदाहरण इस अकॉर्डिंग ले सकते हैं दोस्तों, चौथा 125, 258 × 8। तो देखो इत्थे हुण आपां गुणा करनी है, गल उही जो मैं पिछली कीती सी, गुणा किवें करिए, इहदी इहदे नाल, इहदी इहदे नाल, या इहदी इहदे नाल, तुहाडे ते है। तो एक थोड़ा जिहा आपां इत्थे सोच सकते हाँ, इत्थे देखो जदों आपां 4 दी 50 नाल गुणा कीती, इहनू करता 8, 4, 5, 20, 1, 0, 200, ये ज़्यादा सौखा नहीं होगा, देखो ध्यान नाल है ना, 2 0 ओवें दियाँ ओवें, हुण 2 दी आपां इहनां गुणा करांगे 3456, कुछ सौखा नहीं हो गया। नहीं आपां नूं की करना पैंदा, पहला 4 × 1728 नाल गुणा करनी पैंदी, फिर आपां नूं 5 नाल, इत्थे कितना कितने सौखा, मतलब इहदे विच दो संख्यावां दी गुणा करके अपने कोल 100, 200, 500, 1000 या 2000 आ रहा है। सेम इत्थे देखो 2 दी जदों 50 नाल गुणा करांगे, फिर 165 नाल, 2 दी 50 नाल कीती 100, 165 ओवें दा ओवें, 165 × 165, 2 0, तां अपनी कोशिश इत्थे हुंदी है कि अगर किसी दो संख्यावां दी गुणा करके 100 या 1000 या 500 आंदा होवे। इत्थे देखो ध्यान नाल 25 × 100, 4 × 25 × 185, 25 × 100 × 185, 185 × 185, 2 0। सेम इत्थे दोस्तों 125 दी जदों 8 नाल गुणा करदे आ 1000 आंदा है, 258, तो यह हो गया 1000 × 258, 258 × 258,
पिछे आ गई 3 जीरो तो ये अपने को देखो आ गया 258,000। हुण आपां कोई होर देखते हैं चाहे इतने आप दो दो तीन तीन संख्यावां दी गल कीती सी। हुण मैं अगे देखो पंजवा 125 × 8 × 40 × 25 आप उरे चार संख्यावां लै रहे हैं तो सौखा करने लई देखो तुसी इहदी आप इहदे नाल कर दईए इहदी इहदे नाल ब्रैकेट्स लिख रहा मैं पहला तुसी सीधी भी कर दो तां वी कोई गल नहीं। 125 दी 8 नाल गुणा कीती 1000 25 चौका 100 × 10 तो 1000 दी 1000 नाल करनी है एक एकम एक टोटल किनिया जीरोज हो गई 6 तो कि आंसर आ गया अपने को 10 लाख। तो यह सी दोस्तों ढुकमें क्रम च गुना करनी कि दो संख्यावां दी गुना करके अपने कोई 100, 200, 500 या 1000 आ रहा है। अगे वंडकारी गुण दी वरतों नाल हल करो उदाहरण 1 25 × 103 नंबर 2 128 × 104 नंबर 3 258 4 2584 × 97 चौथा 625 × 106। मैं चार उदाहरण लेके चलिया हूँ इतने आप वंडकारी गुण की वरतों करनी है। आप पिछले लैक्चर बड़ा डिटेल वंडकारी गुण बारे किया आप एक संख्या उरे दो हिस्सों वंडा 103 25 × 103 आप लिख सकते हैं 100 + 3 25 की गुना की 100 नाल हूँ 25 की गुना की 3 नाल 25 × 1 25 = 2 0 25 = 75 तो जोड़ किता अपने को आ गया 2575। सेम इत्थे देखते हैं 104 नूं तोड़िया दो संख्यावां 100 + 4 128 की पहली संख्या नाल गुना की फिर 128 की दूजी संख्या नाल गुना की 128 × 128 = 2 0 128 की 4 नाल करो 8 × 32 = 3 4 × 8 = 3 11 1 4 + 1 = 5 हुण आपां जोड़ करांगे 12 8 + 5 = 13 1 12 + 1 = 13 तो किन्ना आ गया हल करके 13312। उधर देखते हैं अपने को 97 पे है ना तो 97 नूं आपां की लिख सकते हैं देखो आपां इहनूं 90 + 7 भी लिख सकते हैं तो समस्या 90 नाल गुणा करन दी आऊगी तो फिर आपां इहनूं की लिख रहे हैं 100 - 3 तो पहला 2584 दे गुणा 100 नाल माइनस 3 नाल 2584 × 2584 = 2 0 ये 3 नाल करो 4 × 12 = 2 + 1 + 8 = 24 + 1 = 25 + 2 5 × 15 = 2 + 17 + 2 = 6 + 1 = 7 हुण आपां की करना है 2584 दे विचों 7752 का घटा करना है। दोस्तों घटा जीरो दे विचों 2 नहीं घटदा इहदे कोलों 1 लैन गया इहदे कोल नहीं सी इहदे कोल गया इहने इहनूं 1 देता 1 इहने इहनूं देता तां 10 चों 2 घटाए 8 9 चों 5 घटाए 4 हुण 3 चों 7 नहीं घटदा फिर की होगा इहदे कोल लैन गया इहने 1 देता किन्ना हो गया 13 हो गया 13 चों 7 घटाए 6 7 चों 7 घटाई 0 2 5 तो किन्ना हल करके आंसर आ गया 250648 250648। हुण इत्थे आपां देखिए 106 625 × 100 + 6 पहली रकम दी पहली नाल असल जो दोस्त टॉपिक पहले लैक्चर वाला ही है जिथे आप ब्रैकटा की वरतों की सेम चीज़ ही है
625 की गुना कीती 6 नाल 625 एकम 625 दो जीरो हुण इहदी 6 नाल करांगे 6 5 30 0 हसल 3 6 दूनी 12 ते 3 15 हसल 1 6 कम 6 के 36 ते 1 37 जोड़ करो 50 7 ते 5 12 1 4 ते 2 6 6 तां दोस्तों हल करके किन्ना आ गया 66,250। इत्थे एक चीज़ तुहाडे ध्यान कई बार माइंड बैठ सकती है कि आपां दूजी रकम तोड़ी है ना, नहीं पर यह कोई जरूरी नहीं, आपां पहली नूं भी तोड़ सकते हैं। हुण मान लो देखो आ गया तो 96 नूं आपां की लिखिया 100 माइनस 4 लिखिया ना, तो हुण फिर पहला इहदी गुणा इहदे नाल 100 गुणा 235 माइनस 4 गुणा 235 235 एकम 235 दो जीरो हुणे भी गुणा करिए 4 5 20 2 4 3 12 ते 2 14 हासिल 1 8 ते 1 9 ते की करना है आपां 23,500 दे विचों 940 घटाइए, 0 चो 0 घटाई 0, हुण 0 चो 4 नहीं घटदा, यह एक लैन गया इहदे कोले, इहने एक देता 10, 10 चो 4 गए 6, हुण 4 चो 9 भी नहीं घटदा, तो फिर 4 इहदे कोल एक लैन गया इहने भी एक देता 14 चो 9 घटाए 5 2 2, तो दोस्तों हल करके किन्ना आंसर आ गया 22,560। तो इस तरीके दे नाल देखो आप कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण होर ले लैना डबल वे वाली, वो दिखाना किमें 98 गुना 1003। हुण इत्थे देखो पहली संख्या 98 है, पहली नूं आपां 100 माइनस 2 लिख सकते हैं, दूजी 1003 है, 1000 प्लस 3 लिख सकते हैं, तुसीं किसे मर्जी तरीके लिख सकते हो। आपां दोनों तरीके हुण मैं हल करके दिखाना, पहला मैं दूसरी रकम 1003 1000 प्लस 3 इहदी गुणा इहदे नाल 98 गुणा 1000, फिर 98 दी गुणा 3 नाल बाहरली रकम दी गुणा, अगर अंदर 2 है तो 2 नाल होगी, 3 है तो 3 नाल होगी, 98 एकम 98 3 0 38 24 4 हसल 2 9 3 27 ते 2 29, तो जोड़िया अपने कोले गुना करके किन्ना आ गया 28,293। जां यह भी हो सकता आप 98 तोड़ दिए, 98 नूं दो संख्यावां दे विच लिख दिए 100 माइनस 2 आ गया, इहदी गुणा इहदे नाल 100 गुणा 1003, फिर इहदी गुणा इहदे नाल 2 गुणा 1003, 1003 दी इक नाल कीती 1003 दो जीरोआं माइनस 2006 है ना, क्या करना है इन्हां दा घटा करिए 300 2006 जीरो चो 6 नहीं कटदा, इहदे कोल गया इहदे कोल गया, इहने 2 इक उधारा देता 10, इक इहने देता 10, 10 चो 6 गए 4, 9 चो 0 गई 9 2, हुण इहदा भी सेम समस्या आ गई दोस्तों, तां घटा करांगे किन्ना आ गया 98,294। तो देखो किसी मर्जी तरीके हल करो, चाहे पहली संख्या नूं दो हिस्सों च तोड़ दो, चाहे दूजी संख्या नूं दो हिस्सों च तोड़ दो, आंसर ते कोई फर्क नहीं पैंदा। अपना मेन मकसद यह हुंदा है आपां जो अपनी कैलकुलेशन है, अपना जोड़ घटा ते गुणा है, उहनूं आपां किवें सौखा करना है। हुण आपां देखो अगले क्वेश्चन दे विच उचित गुण दी वरतों करदे होए हल करो, आ क्वेश्चन है एक 297 गुना 17 प्लस 297 गुना 3 645 गुना 52 प्लस 645 गुना 48 1284 गुना 72 1284 गुना 28 258 गुना 648 प्लस 258 गुना 352। मैं तुहाडे सामने उहदे चार उदाहरण लेके चल रहा, फर्क की है
पिछले क्वेश्चन दे विच आपां एक रकम नूं दो हिस्सों च तोड़ के एक संख्या नूं आपां हल करदे सी, इत्थे उल्टा इत्थे इकट्ठा करके हल करांगे। देखो ध्यान नाल, एक तरीका तो की है जे तुसीं हल कर सकदे हो, तुसीं इहदी इन्ना गुणा करोगे, इहदी इन्ना गुणा करोगे, फिर जोड़ करोगे, पर किते ना किते जदों इहदी गुणा करांगे टाइम लगेगा, है ना, कैलकुलेशन वड्डी चली जानी है। फिर आपां इहदी इदरां गुणा करांगे, सोच के देखो, पहला 297 दी आपां नूं 17 नाल गुणा करनी पैनी है, फिर 297 दी आपां नूं 3 नाल गुणा करनी पैनी है, फिर आपां नूं की करना पैना है, जोड़ करना पैना है ना। पर इत्थे की करांगे, इत्थे ये देखो इन्हां दोहां दे विच, क्योंकि जोड़ दे विच देखो जदों जोड़ आ गया ना या घटा आ गया वो रकमां नूं अलग अलग कर दिंदा है, ये गल याद रखनी है। तो यह देखो इत्थे किहड़ी रकम इक्को नाल दी है, सब तो पहला स्टैप अपना जिहड़ा हैगा 297, इहनूं बाहर कढ लो, बाहर कढ लिया, जदों इहनूं अड करता तां इहदे विचों 297 निकल गया, पिछे बच गया 17 जोड़, इत्थों 297 निकल गया, पिछे बच गया 3। ठीक, मैं इहनूं इत्थे छड्ड रहा, इत्थे देखो आ रहा जोड़ का निशान, एक रकम इधर रही, एक संख्या इधर रही, केड़ी संख्या दोहां च पई है 645, उहनूं बाहर कढ़िया, पिछे की बचिया, पहली चो 645 गया 52, दूजे चो 645 गया 48। ठीक, हुण इहनूं हल करदे आ, तां पहला ब्रैकेट, अगर जोड़ है तां जोड़, गुणा है तां घटा है तां घटा, 17 ते 3 20। हुण सिर्फ आपां आ जीरो ओवें दा ओवें 297 दी 2 नाल गुणा करनी है, 7 × 2 = 14 = 1 = 9 = 5, 594 = 0। तक सोच के देखो, अगर इहदी इहदे नाल गुणा करिए, इहदी इहदे नाल गुणा करिए, फिर जोड़ करिए, तो ऐं करिए, किहड़ी कैलकुलेशन सौखी है, आ ज़्यादा सौखी है ना। इत्थे देखो 645 गुणा 52 प्लस 48 100, 645 एकम 645, 2 ज़ीरोआं दे नाल लग गया। उधर देखो आ रहा जोड़, केड़ी रकम इको नाल दी पई है 1284, इहनूं बाहर कढ लिया, पिछे की बच गया, पहली च तां 72 बच गया आ गया, दूजे च 28 बच गया, 1284 72 ते 28 100, 1284 एकम 1284, 2 आ गया 0। तो यह अपने को वंडकारी गुण ही है, बस वह उल्टी साइड आ गई दोस्तों। हुण इत्थे आ रहा जोड़ 258, देखो ध्यान नाल, दोहां च पिए एक इत्थे, पिछे की बच गया 648 प्लस 352, पहला ब्रैकेट 8 ते 2 = 10 हसल 1, 6 ते 4 = 10 हसल 1, 4 ते 6 = 10, तो दोहां का जोड़ किया कि आ गया 1000। 258 की 1 नाल गुणा की 258, पिछे आ गया 3 0, तो दोस्तों हल किया अपने को आ गया 258,000। यह होंगे मैथ दियाँ जो आप प्रॉपर्टियां की गल की है, गुणा की गल की है, वह फायदा। होर देखो, अगर इस टाइप आप कोई होर क्वेश्चन लैके चलते हैं, 8 × 2 = 9 7 × 127, 8 × 2 = 9 7 × 27। आप सिर्फ सोच के देखिए, पहला ये ना गुना करिए, सोच के देखो गुना क्वेश्चन कितना लंबा चला जाऊगा, फिर ये ना फिर घटा, पर इस प्रॉपर्टी नाल की किता, इत्थे घटा पिया, आ रकम दोहां दे विच पई है ना, इहनूं बाहर कढ़िया, पिछे की बचे अपने कोले, पहली संख्या दे विच आह बाहर 127, दूजी च आह बाहर 27। हुण 127 दे विचों 27 घटाए किन्ना रह गया 100, इहदी इक नाल गुणा कीती ओवें दा ओवें, पिछे आ गई 2 0, तां तो अपना आंसर किन्ना आ गया 8129700। होर देखो दोस्तों, 658 × 66, 658 × 33 प्लस 658। हुण इत्थे मैं की किया, मैं 3 संख्यावां लै लईआं, पहला जोड़ या घटा नूं आर्डर कर दो, हो गया। हुण इत्थे एक संख्या आ रही, एक संख्या आ रही, क्योंकि जोड़ घटा संख्यावां नूं अलग अलग कर देंदे आ, केड़ी संख्या इत्थे इक्को नाल दी पई है, आ पई देखो
658 बार कट ली। पिछे की बचिया, पहली संख्या जो 658 कढ़ी 66, दूजी चो कढ़ी 33, तीजी चो कढ़ी पिछे की बचिया। सब तो इंपॉर्टेंट चीज इत्थे जीरो नहीं एक, जीरो नहीं, क्योंकि अगर इत्थे कुछ भी नहीं हैगा तो असल दे विच जिहड़ी इहदी गुण है ना वो इहदी एक नाल गुण है, क्योंकि अगर जीरो नाल गुणा करोंगे तो जीरो ही आ जूगा ना, क्योंकि 658 है तो जो कला पिया होवे ना आपां उहदी एक नाल गुणा करते हैं, एक आपां लिखते हैं तो 658 गुणा हुण जोड़ो 66 ते 33 99, 99 ते 100, 658 एकम 658 दो लागियां जीरो तो अपने कोल कितना आंसर आ गया 65,000। ये तो आप जो गल कीती सी वंडकारी गुण के सवालों की या सहचारता गुण के सवालों की गल कीती सी, उस दी प्रॉपर्टी दे नाल संबंधित किवें उस नूं अप्लाई करना है उस बारे गल कीती सी। हुण जुड़ात्मक तत्समक दी एडिटिव आइडेंटिटी असल दे विच हुंदी की है, ठीक है एक आंसर एक संख्या फिक्स है उन्हों आपां लिख देंगे, पर क्वेश्चन ये हुंदी की है। मैं कुछ उदाहरण लेके चल रहा, 6 कोई भी आपां संपूर्ण संख्या ले रहे हैं, पूर्ण संख्या ले रहे हैं, आ ले ली आपां क्योंकि जोड़ की गल कर रहे हैं, जोड़ तो एक की कहती है किसी भी पूर्ण संख्या विच केड़ी पूर्ण संख्या जोड़िए, पूर्ण संख्या जोड़िए, जोड़ दी गल मैं क्यों कर रहे हैं क्योंकि आप जोड़ात्मक दी गल कर रहे हैं ता जो उत्तर आही संख्या आवे ओही होवे। मैं बिल्कुल सिंपल भाषा च लिख रहा एदे विच की जोड़िए कि जड़ा उत्तर है यही संख्या होवे, ए हुंदा तत्समक। तो दोस्तों की जोड़िए जीरो, अगर आप किसी भी संख्या च जीरो जोड़ देंगे एदा मतलब संख्या ते कोई फर्क नहीं पैंदा ओही संख्या फिर आती है, तो जो जीरो है जीरो नू जुड़ात्मक तत्समक कहिंदे ने, एडिटिव आइडेंटिटी कहिंदे ने। तो यह हो गया, देखो यह हुंदी है इस दे विच सेम आपां गुणा च करदे आ, इह तां जोड़दी है ना सेम, देखो दोस्तों आपां गुणा दी करदे आ, मैं ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा थोड़ा जिहा सिर्फ इत्थे चेंज कर रहा, गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो इत्थे आपां की लिखिया सी जोड़िए, हुण मैं की लिखूंगा गुणा करिए, 5, 8, 10, 18 तो 5 विच केड़ी संख्या नाल केड़ी पूर्ण संख्या नाल गुणा करिए कि जिहड़ा आंसर है वह की आऊगा 5 ही आऊगा। 8 की किस नाल गुणा करिए आंसर 8 आवे, 10 की किस नाल करिए 10 आवे, 18 की किस नाल करिए 18 आवे। तो आपां नूं पता है एक नाल जदों गुणा करांगे आंसर ते कोई फर्क नहीं पैंदा, तो जो एक है वह की है गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो आप गल की सी जीरो की, तो जीरो की है जुड़ात्मक तत्समक। आंसर तो देखो याद हो गया जिहड़ी मैं गल की सी एक ते जीरो, पर दोस्तों गल इत्थे इह है इहदा मतलब की है, उही है अगर आप जोड़ की गल करते हैं किसी पूर्ण संख्या केड़ी पूर्ण संख्या जोड़िए कि आंसर सेम आ जाए, तो जो आप गुणात्मक तत्समक की गल करते हैं तो किसी पूर्ण संख्या दे विच केड़ी पूर्ण संख्या की गुणा करिए कि आंसर की आवे सेम आवे। तो दोस्तों ये सी अपने पूर्ण संख्यावां दे गुणा दे नाल रिलेटेड क्वेश्चन। थैंक यू।